गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं आज आपको सोराइसिस के बारे में बताऊंगा। ये एक ऐसा स्किन डिजीज है, वर्ल्ड की 3% पॉपुलेशन जिससे इफेक्टेड है और 5% यूके के पेशेंट ही इफेक्टेड है। यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड में ये डिजीज बहुत ज़्यादा कॉमन है। मेरे पेशेंट्स मेरे से ये क्वेश्चन पूछते हैं कि ये डिजीज होता क्यों है, क्या इसका कारण है, कोई डाइट एलर्जी कर गई, कोई कपड़ा एलर्जी कर गया, या कुछ ऐसी चीजें जो हमने की जो हमें एलर्जी कर गई और ये डिजीज हो गया। आप ये समझिए, ये कोई एलर्जी नहीं है। बॉडी का इम्यून सिस्टम, हमारे शरीर में जो इम्यूनिटी है वो अगर खराब हो, उसमें अगर कोई डिफेक्ट हो जाए तो ये डिजीज होता है। इम्यूनिटी हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, हमारी बॉडी की रक्षा करती है अगेंस्ट डिजीजेस। जब वही इम्यूनिटी किसी कारण से बॉडी की रक्षा करनी बंद करती है, उसको प्रोटेक्ट करनी बंद करती है, तो बॉडी पर अटैक करती है, तो ये डिजीज पैदा होते हैं। सोराइसिस ही नहीं, कई ऐसी तरह के डिजीज है जो इम्यून सिस्टम के कारण होते हैं। तो बात सोराइसिस की चल रही है, सोराइसिस क्यों होगा, आपकी बॉडी में ये चेंजेस क्यों आई, क्यों इम्यून सिस्टम खराब हुआ। हर एक बॉडी का अलग सिस्टम होता है। जैसे आपकी बॉडी में जो वात, पित्त और कफ, ये तीनों के अलग अलग रेशो है, हर एक बॉडी में अलग रेशो होती है। तो आपकी बॉडी पर आपकी डाइट, आपकी डेली रूटीन और वेदर सारा कुछ असर करते हैं। अगर इन तीनों में से कोई चीजें आपकी बॉडी के कंपेटिबल नहीं है और उस कारण आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम खराब हुआ, तो जो सेल इम्यून सिस्टम मेच्योर करने में 30 दिन लगाता है, वो आपकी बॉडी में जल्दी मेच्योर होने शुरू हो गए और इमेच्योर बनते हैं, मेच्योर भी नहीं बनते। वो इमेच्योर सेल आपके बॉडी में जाके, स्किन में जाके वो डिजीज पैदा करते हैं जिसको हम सोराइसिस को। तो हमें ये जानना जरूरी है कि आपकी बॉडी में ये खराबी कहाँ से हुई। उस खराबी को ढूंढने के बाद इसकी ट्रीटमेंट शुरू होती है। ट्रीटमेंट में क्या है कि जो बॉडी में इमेच्योर सेल बन रहे हैं उनको बनने से रोकना, मेच्योर सेल ताकि डेवलप हो। आपके इम्यून सिस्टम में जो खराबी है उसको हम इम्यूनो मॉड्यूलेटर मेडिसिन के द्वारा ठीक करते हैं, बॉडी की इम्यूनिटी को एनहेंस करते हैं ताकि आपकी बॉडी उस डिजीज से लड़ सके। और जो टॉक्सिन्स आपके बॉडी में बन गए हैं डिजीज, उन टॉक्सिन को शरीर से बाहर निकालना, जिसको डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। ये मेथड अगर हम अपनाते हैं तो कोई भी केस हो सोराइसिस का, चाहे उसको आज हुई है चाहे 10 साल पहले हुए, उसका बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट कर सकते हैं और साइड इफेक्ट हो, क्योंकि आयुर्वेदिक एक प्लांट्स बेस्ड मेडिसिन है, हर्ब्स हैं इसमें जो नेचुरल वे से आपकी बॉडी को ठीक करने में हेल्प करते हैं और विदाउट साइड इफेक्ट ये डिजीज को क्योर करने में हेल्प करते हैं। सोराइसिस पर हमने काफी रिसर्च की है और इसकी रिसर्च अभी भी चल रही है, और उस रिसर्च से हमने जो योग बनाए हैं वो काफ़ी इफेक्टिव हैं और उससे हमारे काफ़ी क्रॉनिक केसेस एंड सोराइसिस के लोग ठीक हुए हैं।